नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन है वारी टेक्नोलॉजी लिमिटेड का, एंड टाइम फ्रेम यहां पे सिलेक्ट हुआ है वीकली। देखिए, आप इस ब्लू लाइन के ऊपर फोकस कीजिएगा, ट्रेंड लाइन कितना पावरफुल होता है वीकली टाइम फ्रेम में। जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे उसका सक्सेस रेशियो ज्यादा है। जैसे कि ईयर 2022 के बाद देखिए स्टॉक का प्राइस जब भी इस ब्लू लाइन को टेस्ट किया है ना, प्राइस को वहां पे मल्टीपल टाइम डिमांड देखने को मिला है। इसका मीनिंग है कि स्टॉक का प्राइस के लिए जो ब्लू लाइन यहाँ पे जा रहा है ये था मल्टीयर का सपोर्ट लाइन। एंड एग्जैक्टली स्टॉक का प्राइस जैसे यहाँ पे उसका मल्टीयर का सपोर्ट लाइन को टेस्ट किया, मल्टीयर का ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, उसी लेवल से ही प्राइस बाउंस कर रहा है। जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए कि किसी भी स्टॉक का प्राइस के लिए उसका जो मेजर एंड मल्टीयर का सपोर्ट लाइन सबसे लो रिस्क जोन होता है। एंड एग्जैक्टली देखिए स्टॉक का प्राइस लो रिस्क जोन को टेस्ट किया, उसके बाद बाउंस कर रहा है। अगर आगे आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में नहीं तो वीकली टाइम फ्रेम में इस टाइप का हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट करेगा, यहाँ पे फ्रेश मोमेंटम आ सकता है, प्राइस फिर से लाइफ हाई को टेस्ट कर सकता है। देखिए सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद जो भी बाउंस करना था ना, अभी 10% तक बाउंस कर चुका है, शायद और 10% भी यहाँ से बाउंस आ सकता है, लेकिन ट्रेंड कंफर्मेशन तभी होगा जब प्राइस यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट करेगा। अगर मेजर सपोर्ट के आसपास आपका यहाँ पे एंट्री हो गया है तो होल्ड करना चाहिए। अगर आप फ्रेश अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहे हैं टेक्निकल बेसिस के ऊपर, यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। जो प्राइस यहाँ पे पुल बैक करने के बाद उसका प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, नेक्स्ट मोमेंटम आएगा एंड प्राइस लाइफ हाई को टेस्ट कर सकता है। देखिए इस कंपनी का जो फंडामेंटल है ना, कंटिन्यूअसली हर क्वार्टर में कंपनी यहाँ पे लॉस डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन देखिए लास्ट 3 क्वार्टर में कंपनी लगातार लॉस डिक्लेयर कर रहा है, फिर भी स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहा है। क्यों जा रहा है सिर्फ गॉड को ही पता है, क्योंकि इतना खराब फंडामेंटल के बाद भी स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहा है। एंड यहाँ पे FIDI का कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं है, जो भी है प्रोमोटर के पास, एंड यहाँ पे 41% पब्लिक होल्ड कर रहे हैं। अगर आप सेल्स देखेंगे तो देखिए सेल्स यहाँ पे अप डाउन चल रहा है। जैसे कि मार्च 2023 में यहाँ पे सेल पीक क्रिएट किया था 21.89 का, के बाद नेक्स्ट रिजल्ट जो आया था सितंबर 23 एंड मार्च 24, यहाँ पे सेल्स ऑटोमेटिकली डाउन हो गया है। तो आप टेक्निकल के ऊपर बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी लास्ट 1.5 ईयर से लॉस डिक्लेयर कर रहा है। अगर चार सेटअप के हिसाब से कुछ बाउंस देखने को मिलता है वहां पे कंसिडर कर सकते हैं। एंड इस चार्ट से आपको पता चल रहा होगा कि एक ट्रेंड लाइन बड़ा टाइम फ्रेम में कितना इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट के लिए एंड रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जैसा काम कर रहा था इसलिए बाउंस किया। अगर रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा तो अपर लेवल में सप्लाई आएगा। एंड हमेशा से आपका रिस्क रिवॉर्ड एंड एनालिसिस को ऐड कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।